हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ सभी बेकिंग टिप्स शेयर करने वाली हूं और आपको सिखाने वाली हूं कि कैसे आप ब्लैक फॉरेस्ट केक बेस पर हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो और बहुत ही फ्लफी है। तो अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल कोई भी आप ले सकते हो जिसका कोई टेस्ट ना हो, जिसका कोई फ्लेवर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। ऑयल हमारे केक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे केक को एक ग्रीस देता है, ठीक है। कोई भी आप बटर यूज़ कर सकते हो यहाँ पर या देसी घी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ मैंने यहाँ पर
हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस डाला है। आपके पास अगर चॉकलेट एसेंस हो तो आप वो डाल सकते हो यहाँ पर, या कोई डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर वेनिला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हल्के हाथों से मिक्स करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हार्डली या प्रेशर से इसे मिक्स करोगे तो हमारी जो गैस यहाँ पर जनरेट हुई है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, आप बाउल पर बटर पेपर लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने घी और मैदे का यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं अपना बैटर जो है वो बाउल में डाल रही हूँ। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। आप चाहो तो इसे OTG में बेक कर सकते हो, ठीक है, 30-35 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पर। मैं यहाँ पर इसे एक पतीले में यूज़ कर रही हूँ। आप कुकर में भी इसे, प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हो, सेम टाइमिंग रहेगी, बाकी आपकी गैस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर इसे बेक करेंगे और बाकी हम लो फ्लेम पर 30 मिनट से बेक करेंगे। तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है, आप देख रहे हो। चेक कैसे करना है, टूथपिक डालिए और साइडों से, सारी जगह से आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकलती है तो यानी कि आपका केक बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे ढककर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, कभी भी आपको गरम गरम जो हमारा केक है वो मोल्ड डीमोल्ड नहीं करना है। आपको थोड़ी देर वेट करना है, आधा या एक घंटे के बाद ही आप इसे डीमोल्ड करें, अदरवाइज आपका केक जो है वो ब्रेक हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए।